स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल पे। और जैसे कि आपको पता लग रहा है कि अभी मैं हूँ घर पे। आज मैं जा रहा हूँ बठिंडा से अमृतसर के लिए। एक दिन का टूर है क्योंकि ये सैटरडे है और संडे भी है कल। अभी बज रहे हैं 5:30 की ट्रेन है अमृतसर की। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जल्दी से और सफ़र स्टार्ट करते हैं। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी रिजर्वेशन करंट का जो था वो मिला नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ से करंट रिजर्वेशन नहीं होता है तो जनरल में जाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ क्योंकि जनरल में होने वाला है बहुत ज़्यादा रश। तो अभी आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं, ट्रेन को आने में भी टाइम है। अभी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा रश है नहीं लेकिन हो जाएगा, एक दिन का प्रोग्राम है मेरा क्योंकि कल है संडे और कल रात को हम लोग वहाँ से 2 बजे वापस ट्रेन पकड़ेंगे और मंडे को 8 बजे वापस बठिंडा में पहुँच जाऊँगा। रिजर्वेशन एक्चुअली जब मैंने देखा तब उसमें था नहीं, तो मुझे लगा कि करंट रिजर्वेशन करवा लूँगा मैं रेलवे स्टेशन पे जाके, बट ये लोग बोल रहे हैं कि करंट रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब जनरल में बैठूँगा या फिर जो स्लीपर होता है उसमें चढ़ जाऊँगा और अंदर देख लेंगे, टीटी से बात कर लेंगे जैसा भी होगा। अभी दिखाऊं आपको प्लेटफॉर्म का नज़ारा, तो एकदम खाली पड़ा है, भीड़ है नहीं ज़्यादा। ये देखिए वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, रेलवे का जो फ्री वाईफाई मिलता है उसको एक्सेस करने की पूरे जी जान से कोशिश कर रही है। बैठे बैठे लग गई भूख अब, इसलिए छोले भटूरे खाने का ऑर्डर दिया गया। छोले भटूरे आ गए हैं और अब आनंद लिया जा रहा है, तो खाते हैं छोले भटूरे जब तक ट्रेन नहीं आती है और उसके बाद ट्रेन में चढ़ने के लिए हमारा पीटी कोई भी क्योंकि टिकट है नहीं हमारे पास रिजर्वेशन का। इस ट्रैक पे आएगी ट्रेन और जाएगी जम्मू अमृतसर होते हुए, कैसा बने। सुबह ट्रेन आ गई है और राइट टाइम पे है, तो लगता है कि राइट टाइम पे पहुंचा भी देगी। 12:50 का टाइम है इसमें रात के पहुंचने का, 6 से 7 घंटे का सफ़र है। इधर ही आ जाओ ना। तो अभी S2 में हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि वहाँ TT मिल गया था, तो TT से पूछा मैंने तो उसने कहा कि S2 में बैठ जाइए और शायद अंदर रिजर्वेशन कर देगा, वो तो सीट भी दे देगा शायद। जब ट्रेन खाली लग रही है मुझे क्योंकि जिस कंपार्टमेंट में हमें उसमें 15 से 20 जाने हैं, तो अभी ट्रेन चली नहीं है। ट्रेन चलेगी जब वो आएगा तो देखते हैं कितना एक्स्ट्रा लेता है और क्या हिसाब किताब है। अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि फिर रात को सो के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो सुबह बढ़िया घूम पाएंगे। और अभी ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम है, 15 से 20 मिनट। सो फाइनली अमृतसर पहुंच गए हैं, रात के बज रहे हैं 1:10, गाड़ी 10 मिनट लेट है थोड़ा। अभी देखते हैं क्या करना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं जो मेन है इनका। खाली खाली सा लग रहा है एकदम स्टेशन। दोनों साइड से बंद नहीं है, दिख नहीं रहा इधर भी नहीं दिख रहा। ये अभी मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और एक्चुअली यहाँ पे जो रिटायरिंग रूम है उसकी बुकिंग के लिए देख रहा हूँ मैं कि उसको बुक कर लेते हैं, 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे उसमें और फिर पकड़ना। तो
कहाँ पे है भाई? हम लोग आ गए अभी बाहर। एक्चुअली हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, वो वॉशरूम जो पब्लिक टॉयलेट से बाहर देखते हैं, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर गोल्डन टेम्पल के लिए निकलेंगे और नज़ारे देखते हैं रात को कि अमृतसर रात को कितना खुला है और कितना बंद रहता है। रात के बज चुके हैं 2 और अब हम लोग आए हैं बाहर चाय पीने के लिए स्टेशन के बाहर। ये है अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। चाय पी के हम लोग आ गए हैं अभी स्टेशन पे दोबारा, और सामने खड़ी है बस, फ्री सेवा है गोल्डन टेम्पल के लिए। बस गोल्डन टेम्पल यहाँ से फ्री जाती है और वहाँ से आती भी है रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये जो सामने खड़ी है बस, इसमें जाएंगे हम लोग अभी गोल्डन टेम्पल के लिए। 3 बज रहे हैं रात के, और वहीं जाके अपना जो लगेज है वहीं डिपॉजिट भी करवाएंगे लॉकर में, क्योंकि कल पूरे दिन घूमना है हमें। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गोल्डन टेम्पल, और अभी देखिए आप कितनी रौनक हो रही है। रात के 3 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे रौनक बरकरार है, लोग एकदम घूम रहे हैं। और ये शटल बस है जिसमें हम लोग आए हैं, ये फ्री सेवा है रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल तक की, और यहाँ से वापस अब रेलवे स्टेशन के लिए जाएगी और फिर वहाँ से लोगों को लेकर आएगी। तो अभी घूमते हैं इस कैंपस को। तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया हूँ, ये है स्वर्ण मंदिर। और देखिए आप कितना खूबसूरत और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मज़ा इसलिए आ रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पर रश नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि गोल्डन टेम्पल में रश ना हो, क्योंकि बज रहे रात के 3 और आज संडे का दिन और रश नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं देखिए आप एक एक चीज़ हम शूट करेंगे आज, एक एक चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ की, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके बाद हम लोग दोपहर को चलेंगे वाघा बॉर्डर की तरफ। देखिए लॉक्स वॉक्स सो रहे हैं बेचारे यहीं पे। ये है जूता घर, यहाँ पे हम लोग अपने जूता और सामान जमा कराएंगे, और अभी सामान जमा कराते हैं और जूते जमा कराते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं।